हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ मार्वल ज़ॉम्बी सुप्रीम का एपिसोड 2। और इससे पहले हम देखते हैं रिकैप। सबसे पहले हमने देखा कि प्रोजेक्ट पेगासस से एक डिस्टेस कॉल आया, जिसे रिस्पॉन्स किया एक मर्सिनरी स्क्वाड ने अल्टरनेट एनर्जी रिसर्च फैसिलिटी में, जहाँ पर अंदर फंसे हुए थे स्क्वाडन सुप्रीम के ज़ॉम्बी क्लोन्स सिक्योरिटी फेलसेप की वजह से। और अगर उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर कंटेन ना किया जाता तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी, लेकिन उससे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। कैंसस में हम देखते हैं एक ग्रैंडपा और एक ग्रैंडमा अपने गाड़ी में जा रहे थे, तभी उन्हें आसमान से धरती पर कुछ गिरता हुआ दिखता है। और तब वो दोनों देखने जाते थे कि वो आखिर था क्या, और वो देखते हैं हाइपेरियन को। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड शुरू होता है, इसका नाम है स्ट्रेंज विजिटर। और वो देखते हैं ज़ॉम्बी हाइपेरियन को। उसके पास जाते हुए ग्रैंडपा कहते हैं, बेटे तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। लेकिन तभी हाइपेरियन उठकर उन्हें खाने लगता है। इस पर वो ग्रैंडमा को भागने के लिए कहते हैं और वो ग्रैंडमा जाकर छुपती है गाड़ी के नीचे। लेकिन हाइपेरियन गाड़ी उठाकर कहता है, लगता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। वहीं पर प्रोजेक्ट पेगासस पे नीचे कहीं पर कैप्टन हार्पर पूछ रही थी, तो ये वो एनर्जी है जो तुमने स्पेस से कलेक्ट की थी और यहाँ पर ट्रैप करके रखी है। और जेटारेज की मदद से तुम में से एक डॉक्टर ने उन सुपर ह्यूमंस को वेपनाइज कर दिया ज़ॉम्बी वायरस के साथ, है ना। इस पर साइंटिस्ट कहता है हाँ ये सही है। और आगे यहाँ पर बैटल स्टार से कैप्टन हार्पर पूछती है कि तुम्हारी आर्मर स्ट्रेंथ क्या है, जिस पर कैप्टन अमेरिका कहता है क्लास 5 प्लस। लेकिन पूछ क्यों रहे हो, जिस पर वो कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी एलिवेटर शाफ्ट से ऊपर चढ़कर जाने में सिलो के टॉप पर, जिस पर कैप्टन अमेरिका कहता है मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। जिस पर कैप्टन हार्पर कहती है तो ये सोचो ये एक इनफील्ड एक्शन है। और तभी विजर उन पर हमला करता है और साथ ही साथ शेप एयर डक्ट के थ्रू आकर उन एक्सप्लोजिव को दिखाता है। जिस पर कैप्टन हार्पर कहती है उन्होंने हमारे एक्सप्लोजिव नाकाम कर दिए और वो एयर डक्ट के जरिए यहाँ वहाँ घूम रहा है। तब वो सारी टीम शेप पर हमला करने लगती है और तभी ब्लू ईगल आकर कहता है क्या मैंने कुछ मिस किया, और वो हमला करने जाता है कैप्टन हार्पर पर। लेकिन हमेशा की तरह कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड से उसे काटकर कैप्टन हार्पर को बचाता है, जिस पर कैप्टन हार्पर कहती है तुम यहाँ से जाओ ये मेरा ऑर्डर है। जिस पर कैप्टन अमेरिका कहता है तुम इस चीज़ को प्यार के साथ नहीं बोल सकती। आगे हम देखते हैं कुछ रग्बी खेल रहे लोगों को हाइपेरियन पीछे से आकर अपनी सुपर स्पीड में खाने लगता है। और आखिर में एक ही आदमी बचता है जिसे वो अपनी सुपर स्पीड के साथ मार देता है। और आगे वो देखता है रॉक्सॉन इंडस्ट्रीज का एक ट्रक, जिसे वो आगे से जाकर पंच करता है, जिस वजह से उस ट्रक में भरी हुई सारी काउज हवा में उड़ने लगती है। और वो अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके उन काउज को ऊपर हवा में ही खा लेता है। और उसे रोकने के लिए आती है द हार्वेस्टर टीम, जिसमें थे मेडोलार्क, पायोनियर, सनफ्लावर, क्रेन बेल्ट और टोपेका। इसमें से टोपेका कहता है अगर तुम कानेसस को थ्रेटन करोगे तो तुम्हें रोकने के लिए आएंगे द हार्वेस्टर्स। लेकिन वो उन्हें सुनने की बजाय उन काउस को ही खा रहा था। इस पर गुस्सा होकर टोपेका कहता है तो हमें इसे मजा चखाना होगा। लेकिन वो अपना खाना खत्म करके टोपेका की तरफ बढ़ता है और उसे चीर देता है। तब क्रेन बेल्ट कहता है तो अब मुझे मार के दिखाओ ज़ॉम्बी, क्योंकि मैं ना ही मीट हूँ और ना ही कुछ और, बल्कि मैं हूँ क्रेन। लेकिन हाइपेरियन उसे फूंक कर अपने से दूर कर देता है। तब सनफ्लावर उसे मारने के लिए आता है, जिसे ज़ॉम्बी हाइपेरियन पंच तो करता है लेकिन वो फिर से हील हो जाता है। तब अपने हीट विजन को इस्तेमाल करके वो सनफ्लावर को जला देता है। तब पायोनियर उन काऊ के कंकालों से उसे गिरा देती है। और तब मेडोलार्क आकर उसे सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गर्दन से पकड़ कर वो उसे मारते हुए कहता है इसका टेस्ट तो चिकन जैसा लग रहा है। तब पायोनियर उसे चैलेंज करते हुए कहती है अभी मैं बची हूँ और अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे नॉकआउट करके दिखाओ। और वो ज़ॉम्बी हाइपेरियन को पंच करती है और एक ही पंच में ज़ॉम्बी हाइपेरियन ढेर हो जाता है। तब वो समझ जाती है कि ये सब स्पॉन्जी फॉर्म इनसेफिलोपैथी की वजह से हुआ, जो कि डिजीज था उन मैड काउज में। और इसके हाइटेंड मेटाबॉलिज्म ने उसे प्रोसेस किया सेलुलर अटैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा तेजी से। और वो कहती है तुम्हारे सब कॉन्शियसनेस में कहीं अंदर तक तुम्हें ये पता है कि ये क्या है और तुम इससे लड़ रहे हो। जब तुमने उन सिक काउस को खाया तब ये भी तुम्हारे अंदर चला गया, और जब तुम इससे उभर कर आओगे तब शायद तुम एक हीरो कहला सको। तभी हम देखते हैं प्रोजेक्ट पेगासस में, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका उस एलिवेटर के शाफ्ट के जरिए ऊपर जा रहा था। और तभी उस बचे हुए साइंटिस्ट पर भी ब्लू ईगल हमला कर देता है,
तब पावर प्रिंसेस उन दोनों की तरफ भागते हुए आती है और कहती है, अच्छा काम किया ब्लू ईगल, अभी मैं तुम्हें ज्वाइन करने आ रही हूँ। तब बाकी बचे दो लोग उस मिस्टिकल कंटेनर के रूम में चले जाते हैं और तब वहाँ पर वो कहते हैं, अगर हम इस मिस्ट्री एनर्जी को उन ज़ॉम्बीज के खिलाफ इस्तेमाल कर पाए तो हम उन्हें रोक पाएंगे या फिर उन्हें मार पाएंगे। और वो दोनों उस कंटेनर को ऑन करते हैं और उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है, जिस वजह से उनकी उम्मीद बनने लगती है। लेकिन वो नीचे आते ही हिंदी फिल्मों की तरह पूछता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ पर हूँ। तब वो कहते हैं, शायद हम तुम्हारे पावर्स का इस्तेमाल कर सकते, लेकिन इससे पहले वो आगे कुछ बोल पाते वो वहीं पर गिर जाता है। तब कैप्टन हार्पर कहती है, और इसी पॉइंट से मैं अब सोचना शुरू कर चुकी हूँ एंटरटेनिंग सजेशंस, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मुझे बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और साथ ही मुझे कमेंट करें मेरे चैनल को इम्प्रूव करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।